नसरल्ला की मौत से बौखलाए ईरान, सुरक्षा परिषद से बैठक बुलाने की मांग की है। इजरायली हमला रोकने और कार्रवाई का आह्वान किया। यरूशलम के पास अटैक करने पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को दी चेतावनी, कहा हमारी पहुंच से परे कोई जगह नहीं है। ईरानी नेता खामनेई का छलका दर्द, कहा हिजबुल्ला मजबूत संगठन, खात्मा आसान नहीं, इसराइल को पछताना पड़ेगा। हूती ने इसराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, कहा हसन नसरल्ला की मौत का बदला लेगी हूती। हिजबुल्ला प्रमुख नसरल्ला के खात्मे के बाद याहिया सिनवार में मौत का खौफ है, गाजा के बंकर्स में शिफ्ट हो गया। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत के बाद लेबनान, सीरिया और इराक में मातम, 3 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई। हाशिम सैफुद्दीन को बनाया जा सकता है हिजबुल्ला का नया चीफ, नसरल्ला का भाई है हाशिम सैफुद्दीन। अमेरिका अधिकारी का दावा, लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी, कहा कूटनीतिक समाधान की बात नहीं सुन रहा है इसराइल। जो बाइडेन नसरल्ला की हत्या को सही बताया, पिछले 4 दशकों में सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या के लिए बताया जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से इसराइल का समर्थन किया, कूटनीतिक तरीकों से संघर्षों को कम करने पर जोर दिया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान, नसरल्ला की मौत से सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का न्याय हुआ। नसरल्ला की मौत के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आदेश दिया। नसरल्ला की मौत के बाद नेतन्याहू का पहला बयान, इसराइल समेत विदेशी नागरिकों की हत्या के जिम्मेदार से हिसाब बराबर। नेतन्याहू ने कहा नसरल्ला के खात्मे से अपहृत लोगों की वापसी को बल मिलेगा और उनकी वापसी को भी बढ़ावा मिलेगा। हिजबुल्ला ने हसन नसरल्ला के मारे जाने की पुष्टि की, कहा गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में जारी रहेगी लड़ाई। हिजबुल्ला का इसराइल पर हमला जारी, लेबनान से उत्तरी इसराइल के नाहरिया शहर में ड्रोन से अटैक किया गया। सीरिया के डियर अज़ोर के उत्तरी इराक में हमला किया गया, अमेरिकी सेना के कब्जे वाले कोनोको बेस के पास जोरदार विस्फोट हुआ। हूती का दावा, नेतन्याहू के आगमन के दौरान तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया, कोई हताहत नहीं हुआ। हिजबुल्ला के निशाने पर इसराइली सैन्य अधिकारी, यरूशलम में सैन्य अधिकारियों की बैठक को लेबनान ने टारगेट किया। यरूशलम के पास सेंट जॉर्ज होटल पर गिरी लेबनान से दागी गई मिसाइल, धुएं से भर गया पूरा इलाका। लेबनान का दावा, इसराइल की शनिवार को की गई स्ट्राइक में 33 लोग मारे गए, 195 लोग हुए हैं घायल। इसराइल ने दक्षिणी बेरूत में एयर स्ट्राइक की, हिजबुल्ला के गाइडेड मिसाइल निर्माण स्थल के लिए जाना जाता है ये इलाका। बेरूत एयरपोर्ट के पास इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की, हमले के बाद बचने लगे खतरे के सायरन, लोग भागते हुए नजर आए। इसराइल ने लेबनान के दक्षिणी पश्चिमी शहर टायर पर किया बड़ा हमला, धमाके की आवाज सुनकर भागने लगे लोग। बगदाद में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुए पीएमएफ अधिकारी जब्बार अल मामौरी, यूएस एम्बेसी जलाने का आह्वान किया। ईरानी समर्थक और पीएमएफ सदस्यों का देर रात तक प्रोटेस्ट जारी, इराक की पुलिस ने अमेरिकी दूतावास जाने वाले पुल को भी बंद किया। लेबनान में नसरल्ला की मौत के बाद समर्थकों में गुस्सा है, लेबनान के हेडक्वार्टर पर पहुंचकर मनाया गया मातम। किशनगंज में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग, अलर्ट मोड पर है प्रशासन। सुपौल जिले में लगातार बारिश के बाद बढ़ रहा कोसी का जलस्तर, हाई अलर्ट मोड में जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग। पूर्वी चंपारण में हो रही भारी बारिश के बाद सुगौली की सिकरहना नदी का जलस्तर बढ़ा है, कटाव से तटीय इलाकों में गांव में दहशत है। अयोध्या के जलफानपुरा में जलभराव से कई घरों में पानी घुस गया, लोगों को निकालने के लिए नगर निगम ने शुरू की है ट्रैक्टर सेवा। सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही कई नदियां, आधी रात को घरों में घुसा पानी, जान बचाकर भाग रहे हैं लोग। प्रयागराज में हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, पुणे मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम। पीएम मोदी सोलापुर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे, बिटकॉइन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सावित्री बाई फुले के लिए स्मारक की आधारशिला को रखेंगे पीएम मोदी, दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी, मन की बात के 114 संस्करण के जरिए देश को करेंगे संबोधित। 1 अक्टूबर को समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी, सभी मंडल जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नवरात्र और आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी निकालेंगे चुनावी यात्रा, कल अंबाला के नारायणगढ़ से करेंगे शुरुआत। कई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा। अगले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी भी करेंगे चुनावी सभा। राहुल गांधी की विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील, 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी का उठाया गया मुद्दा। राहुल गांधी ने पत्र में तमिल मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया, कहा तुरंत मछुआरों की रिहाई की जाए। तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है, सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि बने डिप्टी सीएम। सैंथिल बालाजी फिर से कैबिनेट में शामिल किए गए, चेन्नई में आज 12:30 बजे शपथ ग्रहण। डॉक्टर गोविया
चेचियान और राजेंद्रन कैबिनेट में शामिल हुए। स्टालिन ने एस एम नासर को भी कैबिनेट में शामिल किया। उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बोले शहजाद पूनावाला, सामने आया परिवारवाद, ये पार्टियां परिवार के लिए। शहजाद पूनावाला बोले पूरा इनकी गठबंधन परिवारवाद पर आधारित है, उनके दो स्तंभ है भ्रष्टाचार और परिवार। आतंकवाद पर यूएन महासभा में पाकिस्तान की घेराबंदी, विदेश मंत्री जयशंकर बोले हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। जयशंकर बोले आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, पाकिस्तान को बेनकाब किया जाना चाहिए। जयशंकर की पाकिस्तान को खरी खरी बोले उसकी सीमा पार आतंकवाद के मंसूबे सफल नहीं होंगे, नरमी की उम्मीद ना करें। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के बड़गांव में प्रोटेस्ट, फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला को बताया शहीद, आज की सभी चुनावी रैलियों को रद्द किया गया। महबूबा मुफ्ती की बेटी अल्तजा मुफ्ती ने भी नसरुल्ला के मारे जाने पर जताया है शोक, इसराइल की सरकार को बताया है हत्यारा। जमात इस्लामी के पाकिस्तान प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान का ऐलान हुआ है, आज पढ़ी जाएगी नसरुल्ला के जनाजे की नमाज। रावलपिंडी में पेशावर मोड़ पर आयोजित पीटीआई की रैली पर लगी रोक, पंजाब पुलिस से भिड़े पीटीआई कार्यकर्ता, टकराव जारी है। रावलपिंडी के कई इलाकों में पीटीआई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प, पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। बिजली काटने से रावलपिंडी के कई इलाकों में अंधेरा छा गया, पीटीआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां। पीटीआई की रैली को लेकर रावलपिंडी शहर सील किया गया, पूरे शहर में धारा 144 लागू, अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। हिसार की रैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी तुष्टिकरण के लिए मानसिकता को दे रही है बढ़ावा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस किसानों की जान की दुश्मन है, एमएसपी पर कर रही झूठा वादा, कांग्रेस में दलित और पिछड़ों के लिए दरवाजे बंद है। जम्मू से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली बीजेपी ने छीना राज्य का दर्जा। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लूट का राज स्थापित किया, एलजी अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं, प्रियंका गांधी का ये बयान। गोंडा मेडिकल कॉलेज की वीडियो पर ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार, बोले कृपया तथ्यों पर बात करें। ब्रजेश पाठक बोले स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपका बयान बेबुनियाद है, वीडियो अपलोड करने में आपने लापरवाही बरती। किरण रिजिजू ने वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इंडिया गेट से भारत मंडपम तक मैराथन का आयोजन किया गया। आइजोल में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बोले स्वच्छता जीवन का अभिन्न अंग है। राहुल गांधी के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले राहुल को करोड़ों हिंदुओं के अपमान का अधिकार नहीं। सीएम मोहन यादव बोले राम मंदिर पर दिए बयान के लिए राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। राहुल गांधी के मंदिर वाले बयान पर भड़के आचार्य प्रबोध कृष्णम, कहा राहुल को बताया अराजकतावादी। कन्नौज के काऊ मिल का प्लांट को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले बीजेपी मंत्री को अब गोवंश दूध किसान और कर्मचारियों की आई है सुध। सीएम शिंदे ने ज्योति राव फुले और सावित्री बाई फुले की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, फडणवीस और अजित पवार भी इस प्रोग्राम में शामिल। निफ्ट पटना के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रविशंकर प्रसाद, बोले पीएम मोदी ने डिजिटल स्टार्टअप और स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया। निफ्ट पटना के समारोह में शामिल हुए गिरिराज सिंह, छात्रों को प्रोत्साहित किया, निफ्ट की विजन नेक्स्ट पहल की तारीफ की गई। भुवनेश्वर के दो दिवसीय कलेक्टर सम्मेलन में बोले सीएम चरण बाजी, आम लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार कर रही है काम। हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए देवघर पहुंचे सीएम भजन लाल, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। रांची के प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भजन लाल शर्मा, बारफाड़ी समुदाय को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पक्के मकान मिलने पर लोगों में उत्साह है, सीएम विष्णु साय के निर्देश पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा समुदाय को मिला पक्का आवास। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के हैदराबाद में हुई है बैठक, जगदंबिका पाल, अपराजिता सारंगी ओवैसी और एमपी इमरान समूह रहे मौजूद। किरेन रिजिजू बोले वक्फ विधेयक के बारे में फैलाई जा रही है भ्रामक बातें, दूसरे समुदायों पर भी पड़ रहा है असर, ईसाई समुदाय की शिकायतों का किया जाएगा समाधान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की है सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात, पेयजल और स्वच्छता से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में अपनी प्रत्याशी के प्रचार में बोले तरुण चुग, पाक एजेंडे पर चलने वाली वंशवादी पार्टियों को इस बार नकार देगी जनता। दिवंगत सीताराम येचुरी की शोक सभा में बोली सुफिया सुले, लोकतंत्र को मजबूत करने में येचुरी का काफी अहम योगदान। सीएम मोहन यादव ने न्याय व्यवस्था को दिया है धन्यवाद, बोले कोरोना काल में भी कोर्ट ने जारी रखा कामकाज। सांसद मनोज झा ने शोक सभा में दिवंगत सीताराम येचुरी को किया है याद, बोले कि उनकी भरपाई करना मुश्किल है, उनके चले जाने से हुआ है खाली पर।
केजरीवाल बोले, दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा में लाएंगे बदलाव। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के प्रबंध को लेकर देंगे सुविधाएं। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उमर अब्दुल्ला। बोले, हमें कोर्ट का पूरा विश्वास है, हम राज्य का दर्जा जरूर हासिल करेंगे। यूपी के बरेली में राज्यपाल संतोष गंगवार ने रामलीला की पूजा अर्चना करके किया है शुभारंभ। बोले, रामलीला हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। लुलू समूह के अध्यक्ष एमके यूसुफ अली ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, निवेश के अवसरों पर बात की गई। सरकार ने गैर बासमती चावल पर से निर्यात शुल्क हटाया है, $490 प्रति टन के न्यूनतम मूल्य वाले सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया गया है। जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश है, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी अंशुल्ला दाधीच को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकवादी को मार गिराया गया, एक पुलिसकर्मी भी शहीद। कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, ऑपरेशन के दौरान 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। भद्रक में पथराव की घटना में सिटी डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी समेत 8 गिरफ्तार किए गए। भद्रक में सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन का एक्शन, 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को निलंबित किया गया। तिरुपति के प्रसादम में मिलावट की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है, जांच टीम ने मंदिर का दौरा किया, आरोपों की जांच के लिए बैठक की गई है। जयपुर को बंदरों के आतंक से मुक्त कराने के लिए पकड़ रहा नगर निगम, जंगल में छोड़ने के बजाय पिंजरे में रखे जा रहे हैं बंदर। कोलकाता में 150 साल पुरानी ट्राम सेवा बंद होगी, लोग हुए भावुक, कहा ट्राम सस्ती सेवा है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता। केरल की पुन्नमद्दा झील में बोट रेस आयोजित की गई, रोमांचक फाइनल में पीबीसी के करीचल चुंदन ने जीती बोट रेस की 70वीं नेहरू ट्रॉफी। विवेक ओबराय ने शानदार अंदाज में IIFA अवार्ड्स में शिरकत की है, खुद को शाहरुख खान का बड़ा प्रशंसक बताया है।